हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन हियर ऑन माय चैनल जानकारी हित। अरे भाई, मैं हित अभिलाषी शर्मा आपकी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल जानकारी हित पर एक नया विषय, एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वही तो है बहुत इम्पोर्टेंट। यस, अगर हम बेसिक्स को क्लियर कर पाए तो सब्जेक्ट अपने आप दौड़ते चले जाते हैं। आओ आज जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, उसका जो बेसिक कंटेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक नया टॉपिक। लेट्स मूव अहेड विद मी। हेलो, टुडेस टॉपिक इज इकोनॉमिक्स। क्या सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो टॉपिक भी इकोनॉमिक्स? यस। तो आज हम जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, उसकी थीरीज, उसकी नेचर, स्कोप सब कुछ करते चले जाते हैं, लेकिन जो बेसिक कंटेंट वो सब्जेक्ट क्या है वो हमें क्लियर नहीं होता। तो ज्यादा देर नहीं करते, टाइम का भी उपयोग करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? हिंदी में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, शास्त्र का मीनिंग अर्थ। नो, भी ऐसा मत सोचना। अर्थ मतलब कुछ सोचते हैं पैसा, और शास्त्र मतलब विज्ञान, विषय, सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय या विज्ञान जिसमें अर्थ का अध्ययन किया जाता है। ये हम कुछ पास चले, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे बात को समझते हैं। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा शास्त्र जिसमें हम मानव की उन जो असीमित जरूरतें हैं, हमारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, समझने की कोशिश करो। एक जरूरत पूरी होती है, दूसरी, तीसरी, हमारी जो आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। मानव अपनी असीमित जरूरतों को अपने सीमित साधनों के साथ, पैसे सबके पास कम बढ़ते हैं, घरों में झांक कर देखो, पैसे जितने आते हैं वो भी कम बढ़ते हैं, और होने चाहिए। इसी से मैं जोड़कर देख रहा हूं बात को। मानव अपनी असीमित जरूरतों को अपने सीमित साधनों के साथ कैसे पूरा करता है, इन सभी क्रियाओं का, इन सभी एक्टिविटीज का अध्ययन हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं वो है अर्थशास्त्र। यस, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। जो मानवीय व्यवहार है उसमें जो आर्थिक क्रियाएं करता है, अर्थ से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई जो क्रियाएं करता है, वो सबकी सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फिर इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है अपने आप में, ये तो हम करते चलेंगे, इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है। इकोनॉमिक्स क्या है, पहले हम अगर शब्द अर्थ को देखें, इसका जो वर्ड है उसको जानने की कोशिश करें, तो दो वर्ड्स हैं ये। एक वर्ड है इको, इको, इको। सेकंड वन इज द नॉमिक्स। एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स है दैट इज अ ग्रीक वर्ड, दो वर्ड्स हैं ग्रीक के, उनको जोड़कर, उसको कंबाइंड रूप जोड़ के बनाया गया है। वन इज द ऑकियोस, ऑक्यूस मींस द हाउसहोल्ड, घर, घरेलू। एंड सेकंड वन इज द नॉमिन। नॉमिन क्या होता है? मैनेज, घर को प्रबंध करना, घर का मैनेज करना, दैट इज इकोनॉमिक्स। ये शब्द अर्थ है जो शब्दों में इसको बताया गया है, हमें ये बात ध्यान रखनी हो। अगर हम इकोनॉमिक्स को परिभाषित करने की कोशिश करें, कुछ सीमित शब्दों में बांटने की कोशिश करें, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as how to utilize the minimum resources to get maximum satisfaction in alternative uses of the money they have। ये तो बहुत बड़ी हो गई भी परिभाषा। ऐसे कैसे इकोनॉमिक्स को इतने बड़े शब्दों में शुरू में कह दिया गया होगा, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली इज द बेसिकली वी कैन से द डेवलपिंग सब्जेक्ट। लगातार ये तरक्की करता है, भी आगे बढ़ता ही चला गया। जैसे आप लोग जो फर्स्ट क्लास में सीखा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और आज आप प्लस वन, प्लस टू या कॉलेज लेवल तक जाते हो, तो वहां पे आप कुछ नया सीख रहे हो। सिमिलरली जब हम इकोनॉमिक्स को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारत के एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनको पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है, चाणक्य। चाणक्य थ्योरी को सब जानते हैं, महान राजनीतिज्ञ जिन्होंने राजनीति पे जाने क्या क्या लिखा और दुनिया को बदल के दिखा दिया उन्होंने जो भारत का राजनीतिक ढांचा था। चाणक्य है जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी बुक थी अर्थशास्त्र। उन्होंने सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स को शब्दों में बांधने की कोशिश की हमारे भारतीय दार्शनिक शास्त्र में,
उन्होंने क्या कहा कि जो इकोनॉमिक्स है एक्चुअली इट इज द बेसिकली द वी कैन से द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो किसी राज्य का प्रबंध जिसके द्वारा चलता है उन एक्टिविटीज के साथ राजनीति इसको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को जोड़कर देखा। लेकिन उनके बाद बहुत से और दार्शनिक आए, विद्वान आए, जैसे अरस्तु थे, प्लूटो थे, उन्होंने अपने शब्दों में जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को जोड़ा, आगे बढ़ाया, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो राज्य का प्रबंध है आर्थिक गतिविधियों का, उसके साथ साथ, क्योंकि चाणक्य ने तो राज्य का प्रबंध आर्थिक गतिविधियों तक सीमित रखा था, लेकिन जब प्लूटो और दूसरे अरस्तु वगैरह आए तो उन्होंने, उन दार्शनिक जो विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, राज्य के प्रबंध के साथ जो घर का प्रबंध है उसको भी ऐड अप कर दिया। यहां कहां रुकने वाला था। इसके बाद मार्शल का पीरियड आता है। अब नए स्टूडेंट वो सोचेंगे ये कौन कौन से नाम ले रहे हैं, भाई हमें ध्यान रखना होगा, हमारा जो 10th का लेवल होता है उससे हम निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, हमें थोड़ा जानना होगा कि बेसिक सब्जेक्ट कैसे चला। पहले मैंने चाणक्य की बात की जिसे कौटिल्य कहते हैं, उसके बाद जो अरस्तु के जो समकालीन थे, उस टाइम के जो अर्थशास्त्री हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, और आजकल जो मॉडर्न जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फिर उसकी बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स ऐसे अलग अलग स्टेप से निकलता हुआ आज का जो, जिसकी हम परिभाषा सबसे लास्ट में करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे भी। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं, ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड के फ्रेम में हम इसको चार पार्ट्स में बांटकर डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन है, फिर मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है, नेक्स्ट स्कार्सिटी डेफिनेशन है, एंड लास्ट वन वी कैन से दैट द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये चार पहलू हैं। वेल्थ डेफिनेशन क्या है, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन क्या है, इसके बाद जब हम थर्ड की बात करते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या है, और फिर ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। मॉडर्न अप्रोच तक हम पहुंचते पहुंचते इन पहलुओं को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्थ डेफिनेशन क्या है। वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, धन पंजाबी में धन कहते हैं, पैसा भाई, धन। वेल्थ डेफिनेशन में जो एडम स्मिथ है उसने इस कॉन्सेप्ट को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को केवल वेल्थ से एड अप करके डिफाइन किया। पैसा, वेल्थ क्या है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना। जब मैं उसकी डेफिनेशन को देख रहा था जो एडम स्मिथ ने दी, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। द्वारा सुनो, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मतलब समझो, जो एडम स्मिथ है वो यो कहता है कि जो इकोनॉमिक्स सिर्फ उन्हीं गतिविधियों, उन्हीं एक्टिविटीज को कहते हैं जहां पर धन क्या है, धन कैसा, कैसे आता है, कहां से आता है, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जो एडम स्मिथ था उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सिर्फ वेल्थ तक सीमित कर दिया। यही कारण था उसकी आलोचना हुई, क्रिटिसिज्म हुआ उसका। The major reason was that the criticism is that the economics think that only wealth is not the economic activities, human welfare should also be included while doing economic activities. मानव कल्याण कहाँ गया भाई, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए था। सिर्फ आदमी जो सारा दिन पैसे से related क्रिया करते हैं क्या, ऐसा नहीं है। जो मानव कल्याण कल्याण है उसको भी सोचना चाहिए। यही कारण था कि बाद में जब हम मटेरियल वेलफेयर की बात करेंगे, वो इसका डेफिनेशन का सेकंड पहलू है। अगर हमने अर्थशास्त्र को समझना है तो एक बात स्पष्ट होगी, जो वेल्थ डेफिनेशन है वो धन से रिलेटेड है, उसमें धन संबंधी जो गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, उनको ही इकोनॉमिक्स की क्रियाएं, या उसको ही इकोनॉमिक्स माना गया है। और जो सेकेंड डेफिनेशन अब आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। यस, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ये क्या है। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो मार्शल ने दी, मार्शल या उसके जो समकालीन इकोनॉमिक्स थे, विद्वान थे, उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो सामाजिक मानव के उन गतिविधियों का कंबाइंड रूप है
जो वो भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए मानव कल्याण के लिए करता है। अजीब सा हो गया, मैंने तीन वर्ड बार बार बोले, सामाजिक मानव के द्वारा की गई क्रियाएं, भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए की गई क्रियाएं, और एक मैंने तीसरा बोला मानव के कल्याण के लिए की गई क्रियाएं। इन सब को से रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो इंसान करता है, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन देने वाले इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ऐसा कहा। अरे भाई, इसकी भी आलोचना होना स्वाभाविक था। तो नेक्स्ट जो रॉबिन्स जैसे इकोनॉमिक्स हुए, उन्होंने आलोचना की कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ भौतिक साधन क्यों शामिल किए जाते हैं, अभौतिक क्यों नहीं, जिनको हम देख नहीं सकते एक्टिविटीज हैं, जिनका रंग रूप आकार नहीं है, वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। जो सामाजिक मानव है, सिर्फ उसको शामिल क्यों कहा गया है, जो समाज से बाहर रहता है उसकी भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनको भी शामिल करना चाहिए। कल्याण होगा या नहीं होगा ये तो बाद में डिपेंड करता है, तो क्रियाएं तो जो एक्टिविटीज है वो सारी शामिल होनी चाहिए। इस आधार पर जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन थी उसकी, रॉबिन्स और उसके जो दूसरे साथी थे इकोनॉमिक्स, उन्होंने आलोचना की। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से जो मेन डेफिनेशन दी, दैट इज स्केयरसिटी डेफिनेशन। वो क्या थी, स्केयरसिटी डेफिनेशन क्या है? रॉबिन्स ने 1932 में अपनी बुक में जो स्केयरसिटी डेफिनेशन थी उसको एक्सप्लेन किया। उसके अनुसार मानव के जो सीमित साधन हैं, उनके द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो काम किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज की जाती हैं, उन एक्टिविटीज के कंबाइंड रूप को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। भाई सीमित साधन, वो हम जानते हैं कि इंसान के पास सीमित साधन है, बट हमें ये भी याद रखना होगा कि हम अपने साधनों का अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी रॉबिन्स ने बताया। अल्टरनेट यूज क्या होता है, हमारे पास साथ पैसा कम है, अब हमने सोचना है कि हमने दूध परचेज करना है या हमने घर के लिए पहले सब्जी परचेज करनी है, पैसा सीमित है, उसमें से पहले कौन सी जरूरत पूरी करनी है, इसको हम सिलेक्शन की प्रॉब्लम कहते हैं इकोनॉमिक्स में। चुनाव तो हमें करना ही पड़ता है ना, अभी जब साधन सीमित है, हम अपने साधनों का अल्टरनेट यूजेज में से कौन सा यूज करें, जो हमारे पास वस्तुएं आ रही हैं उसको किस बात के लिए यूज करें, हमारी सेटिस्फेक्शन किससे ज्यादा होने वाली है, इसके बारे में रॉबिन्स ने अपनी परिभाषाओं में, रॉबिन्स या दूसरे उसके जो समकालीन इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बताया। लेकिन इसकी आलोचना भी स्वाभाविक था। रॉबिन्स ने जो मार्शल की आलोचना की थी वो की थी कि उसने मानव वेलफेयर की बात की थी, कल्याण होगा तभी उन बातों को शामिल किया जाएगा, जिससे कल्याण नहीं होता उनको नहीं किया जाता। अब उन्होंने इसकी आलोचना, जो उसके बाद के जो इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने रॉबिन्स की आलोचना की कि मानव कल्याण के कॉन्सेप्ट को, जो सामाजिक सोशल जो मानव है उन कॉन्सेप्ट को इसने बिल्कुल एक तरफ रख दिया। इसका मतलब सबकी क्रियाओं को शामिल करते रहो, वो आर्थिक कैसे हैं, फिर तो देश किसी ना किसी तरह से जंगल राज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस आधार पर रॉबिन्स की आलोचना हुई कि मानव कल्याण के कॉन्सेप्ट को, सोशल मानव के कॉन्सेप्ट को उसने एक तरफ रखा। तो नेक्स्ट जो फोर्थ वन डेफिनेशन थी वो थी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास केंद्रित परिभाषा, नाम से पता चल रहा है। जो मॉडर्न टाइम है, ये इसमें जितने भी इकोनॉमिक्स हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस पर सेंट्रलाइज्ड हैं। इसमें जो मानव और जो देश का आर्थिक विकास है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। ग्रोथ अंडर जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है उसको अगर हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम, एवरी कंट्री वी नो दैट ट्राई टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, improve the living standard of people and want to make them self-sufficient. हर एक देश चाहता है भी उसका देश आर्थिक तौर से self-reliant हो, स्वयं आत्मनिर्भर बने, economically growth हो वहाँ पर, और लोग self-sufficient होकर आर्थिक रूप से develop हो सके। अगर हम growth oriented definitions को देखने की कोशिश करते हैं तो ये बात हमें स्पष्ट लगती है कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड देने वाले इकोनॉमिक्स हुए हैं, चाहे वो सैमुएलसन है,
पीटरसन है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, इसका सीधा संबंध मानव द्वारा सीमित साधनों का जो कुशलतम उपयोग है उससे रिलेटेड है, जिससे देश की जो डेवलपमेंट रेट है, ग्रोथ रेट है, वो तेज हो सके और लोगों का सामाजिक कल्याण भी हो। इन सभी चीजों को जो एडम स्मिथ ने कहा था, मार्शल ने कहा, उसका जो कंबाइंड रूप रॉबिन्स ने कहा, उसके कंबाइंड रूप को ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में हम देखते हैं। तो फाइनली सबका कंक्लूजन क्या निकला, अब इसको देखना होगा। ये तो था कि समकालीन जो एक एक इकोनॉमिक्स के आए हैं, ग्रुप बने हुए थे, उन्होंने टाइम, इनमें से गलत कोई भी नहीं है, हर एक के देखने का ढंग अपना था इकोनॉमी के एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे पीरियड से वो निकले। फिर बेसिकली अगर हम कंक्लूजन निकालें तो वो क्या है भाई, अब उसको जानते हैं। द कंक्लूजन इज दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डायरेक्टली रिलेट्स विद द सच ह्यूमन बिहेवियर एज हाउ टू यूटिलाइज द लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज इन प्रोडक्शन, इन कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, सो दैट ऑप्टिमम रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड विल बी देयर। ध्यान से सोचो कितने शब्दों को मैंने इसमें यूज किया, ह्यूमन बिहेवियर की बात की गई है, अनलिमिटेड वांट्स की बात हो रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात हो रही है, अल्टरनेटिव यूजेस की बात मैंने की, डिफरेंस इन अर्जेंसी अल्टरनेटिव यूजेस के आधार पर जो अर्जेंसी है, कौन सी जरूरत पहले पूरी करें, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एक इंसान को, जो सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, किस साधन का प्रयोग कहां पर किया जाए, इसकी बात की, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इन सारे शब्दों को अगर हम कंबाइंड रूप में देखें, लास्ट में मैं ये कह सकता हूँ, इकोनॉमिक्स इज सच अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें हम मानव व्यवहार की बात करते हैं, सो दैट ही कैन यूटिलाइज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज विद, सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाइल डूइंग सच एक्टिविटीज। द अल्टरनेटिव यूजेज कैन बी मेड इन प्रोडक्शन, सिमिलरली इन कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, इसको मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियोज है इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोरिलेट करके आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखें कि अर्थशास्त्र का मतलब एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के सीमित साधनों को मानव कल्याण के लिए उसके बेहतर प्रयोग के द्वारा, जिससे कि वो व्यक्ति अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके और जो मैक्सिमम ग्रोथ है उसको अटेन किया जा सके, मानव कल्याण के लिए ये बात ध्यान रखनी होगी। सो स्टूडेंट्स, कोई कंटेंट क्लियर नहीं है, मैं जानता हूं टफ सब कॉन्सेप्ट कंटेंट है, इसको बीच में बैक जाकर वीडियो के उन पार्ट्स को देखें जहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन है। अगर फिर भी कोई बात क्लियर नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। एक नया वीडियो, एक नया कॉन्सेप्ट बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इंतजार कीजिए यहां चैनल जानकारी हित पर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।